हेलो, जय हिंद। नमस्कार, मेरे सेठ सेनू डी के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि यह 25 तारीख के अखबार के अंदर कटिंग आई हुई है। यहाँ पर आप 25 तारीख के न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हो, दैनिक भास्कर के अंदर 25 दिसंबर 2022 के इशार वाले जो हरियाणा का इशार है, इशार जिला, उसके न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप इसका देख सकते हो। साथी, इसके अंदर क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया, हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती के संबंधित यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथियों, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। साथियों, तो चलो आप देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या बोल रखा है कि विभाग की लेट लिपी यानी कि खाली सीटों की जानकारी देने विभाग को भेजा रिमाइंडर, यानी कि विभाग को खाली सीटों की जानकारी देने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। कौन कौन सी यहाँ पर है, तो ग्रुप सी में 281 कैटेगरी में भर्ती की तैयारी 57 विभागों ने यहाँ पर ब्यौरा भेजा है, यानी कि 57 विभागों ने। अब यहाँ पर जो आगे भेजा गया है, कौन कौन से विभाग ने भेजा है, कौन कौन से नहीं भेजा, वो अपन आगे देखते हैं। साथियों, इसके अंदर कौन कौन से विभाग ने भेजा है तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर अपना जो फायर ऑपरेटर की जो भर्ती है यानी कि फायर डिपार्टमेंट विभाग ने भी भेजा है इसके भर्ती से संबंधित, और जो वहां पर जो पुलिस वगैरह की है, इंस्पेक्टर की है, पटवारी की है, सभी ने यहाँ पर अपना ब्यूरो भेजा है। साथियों, अब यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं जो फायर ऑपरेटर, ये इस साइड में देखिए साथियों, आप इस साइड में देख सकते हो, ये देख लीजिए फायर ऑपरेटर, एक तो फायर स्टेशन ऑफिसर की है और एक है फायर ऑपरेटर की। तो यहां पर जो दे रखा है साथियों, टोटल ऑफ वैकेंसी यहां पर दे रखा है और एक दे रखा है सब फायर ऑफिसर की, यानी कि सब फायर ऑफिसर की और फायर स्टेशन ऑफिसर की और फायर ऑपरेटर की, यहां पर फायर ऑपरेटर यानी कि कंप ड्राइवर यहां पर दे रखा है। तो यहां पर जो फायर ऑपरेटर कंप ड्राइवर, इसकी तो दे रखा है 2063 पोस्ट। स्टेशन, जो फायर स्टेशन ऑफिसर है, इसकी दे रखा है 8 पोस्ट टोटल, और जो फायर ऑफिसर है, सब फायर ऑफिसर, इसकी जो पोस्ट दे रखा है यहां पर 33 पोस्ट यहां पर दे रखा है। यह विभाग को यहां पर जानकारी भेजी गई है। साथियों, अब यहां पर आगे जो दे रखा है साथियों कि इसके अंदर जो फायर ऑपरेटर है, इसके अंदर राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, जो राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, एमपी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, क्योंकि सभी के डाउट रहेगा यहां पर, जो भी अलग जो राज्य से आते हैं, वो चाहे फिर कोई सा भी राज्य हो, सभी के यहां पर डाउट रहेगा कि सर हम इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो यहां पर साथियों, आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो किसी भी राज्य से आप हो तो। अब यहां पर साथियों, जो नेक्स्ट बात आती है कि सर इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है सर इसके अंदर, तो साथियों इसके अंदर 10+2 यानी कि आपके पास 12वीं पास होने चाहिए आप, प्लस में आपके पास ड्राइविंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास जो आपका डिप्लोमा है फायर का डिप्लोमा, वो फायर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथियों, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप फायर ऑपरेटर का फॉर्म भर रहे हो तो, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। साथियों, अब ये विभाग को भेजा है साथियों, यानी कि जो खाली सीटें हैं उनका ब्यौरा विभाग को भेजा गया है। अब इसके ऊपर आप सभी को पता है, लगभग 2018 से ये वैकेंसी अटकी हुई है फायर वाली, कोरोना वगैरह आ गया था उसके चक्कर में इसको आगे खिसका दिया, स्थगित कर दिया था। अब कब क्या ये
भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, कब क्या नहीं होता है, तो इसके बारे में भी जब भी जारी होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुपों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो से संबंधित फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।